सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो है हमारी बाइसिकल की एसेसरीज के बारे में। जो जो मैंने इसमें एसेसरीज चेंज करी है और एड ऑन करी है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं था। इसमें खाली मैंने बेल, मड गार्ड और साइड स्टैंड लगवाया था। तो अभी मैंने कुछ छोटे छोटे चेंजेस करे हैं और कुछ चेंजेस अभी बाकी हैं। तो फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि चेंजेस हैं क्या। ये है हमारी रॉक राइडर ST10, बिल्कुल स्टॉक थी, बस खाली इसमें मड गार्ड, साइड स्टैंड और बेल लगी थी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हमने छोटे छोटे चेंजेस जो किए हैं। सबसे पहले हमने ये हैंडल ग्रिप चेंज करी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हैंडल ग्रिप ये है, और जो आई थी वो ये थी। सो ये काफ़ी प्लेन हैंडल ग्रिप थी और काफ़ी रफ़ थी, मतलब चलाने में ना काफ़ी रफ होती थी और इसमें पाम रेस्ट नहीं मिलता था। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई है, इसमें यहाँ पर पाम रेस्ट मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये यहाँ पर पाम की काफ़ी अच्छा इसमें रेस्ट मिलता है, जैसे कि हाई एंड बाइक्स में आपने देखा होगा। और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है 120-130 रुपीज़ का खाली। ये नॉर्मल नहीं है, इसमें आपको पाम रेस्ट मिलता है ऐसे करके साइड से, जैसे आप देखोगे तो इसमें पाम रेस्ट मिलेगा, काफ़ी कंफर्टेबल है। सो ये कंफर्ट के लिए है, लॉन्ग राइड करनी हो तो आपको, और वैसे भी नॉर्मल गड्ढे वड्ढे आते हैं तो ये वाली इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। इसमें चुभता है थोड़ा सा, मतलब हार्ड है, और ये थोड़ा चलाने में भी इसको आप लंबी चला सकते हो इजीली, हैंड को काफ़ी अच्छा रेस्ट मिलता है इसमें ना। और ये अमेज़ोन से मंगाया मैंने, ये जेनरिक है, ये 120-130 का है कुछ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो आप भी ले सकते हो अपनी साइकिल के लिए। और ये नॉर्मल जो बाईसाइकिल की वो होता है डायमीटर, उसी पे फिट हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ अपना दूसरा एड ऑन जो कि है हमारी सीट कवर। तो ये है सीट कवर जो कि मैंने अभी ये आफ्टर मार्केट अमेज़ोन से मंगाया है। ये भी ये मैंने डिकैथलॉन वाला नहीं लगवाया था, नॉर्मल सीट थी खाली, इसके विदाउट प्लेन सीट थी, तो मैंने इसमें अभी लगवाया। इसकी मेरी कॉस्टिंग पड़ी 160-170 रुपीज़, काफ़ी सस्ता है। और ये है 3D वाला है, 3D पैडिंग होती है ना, जो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 3D पैडिंग है। इसकी टेस्टिंग अभी मैंने ज़्यादा करी नहीं, बट कंफर्टेबल है। इसका रिव्यू नहीं किया है, अभी थोड़ी सी चलाई है मैंने और काफ़ी कंफर्टेबल है, 3D पैडिंग के साथ है। तो अभी ये पता चलेगा जब हम लंबी राइड करेंगे, थोड़ा सा लंबा ले जाएंगे तब जाके पता चलेगा, बट फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल है, नॉर्मल सीट से तो काफ़ी कंफर्टेबल है। जो आपको डिकैथलॉन वगैरह में कहीं भी मिलती है वो 3D पैडिंग वाली मिलती है, फॉर्म होता है इसमें, और ये लॉन्ग राइड में काफ़ी काम आती है। सॉफ्ट है, कुशनिंग है इसमें काफ़ी अच्छी, और हर जगह है, ऐसा नहीं है कि यहीं यहीं पे पूरे पे कुशनिंग है, और काफ़ी सही लग रही है, देखने में भी अच्छी लग रही है और वैसे भी अच्छी लग रही है। तो इसका रिव्यू बाद में देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड अपडेट, भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप साइकिलिंग करते हो और आपको ज़रूरत है सीट कवर की, कंफर्टेबल सीट कवर की, तो आप चेकआउट कर सकते हो, और भी इसमें ऑप्शन है काफ़ी अच्छे अच्छे तीसरा जो चेंज है मैंने जो तीसरा चेंज किया है वो है ये हमारी टेल लाइट। तो ये है अभी हमारी टेल फ्लैश लाइट, और हाँ ये सीट में भी रेडियम लगा हुआ है, यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें भी रेडियम लगा हुआ है, तो सीट भी नाइट में आपको रिफ्लेक्ट करेगी पीछे से, और ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं है तो जलेगा खैर। तो इसमें नॉर्मल रिफ्लेक्टर लगा हुआ था, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये रहा, सो ये इसमें नॉर्मल लगा था। तो अभी विंटर्स के टाइम है और फॉग बहुत है तो रिफ्लेक्टर दिखता नहीं है, रिफ्लेक्टर अंधेरे में ही दिखेगा, फॉग में बहुत मुश्किल होता है कि दिख जाए। तो इस वजह से मैंने ये लगाया ताकि हमें रात में दिक्कत ना हो और फॉग में दिक्कत ना हो। तो जो ये लाइट है ये आपकी पीछे टेल पे लगती है यहाँ पर, और ये इसमें तीन मोड्स हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तीन मोड्स हैं। और ये सोलर एनर्जी है, सोलर मतलब सोलर पे चलती है, इसमें सेल वेल की कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और ये है इसी कंपनी की, स्ट्रॉस कंपनी की है, और ये स्ट्रॉस कंपनी का ही ये है, क्या कहते हैं, आपकी सीट कवर भी सेम कंपनी की है और ये भी सेम कंपनी की है। तो ये अमेज़ोन पे आपको दिख जाएगा, और काफ़ी बजट फ्रेंडली है। ये मेरे को 270-280 की लाइट्स पड़ी है ये वाली, और ये मैंने ऐड की है इसमें। तो नॉर्मली ये रिफ्लेक्टर आता है, इसको हटा के मैंने ये लगा लिया। तो ये विंटर्स में काफ़ी ज़रूरी है, वैसे भी नाइट में ज़रूरी है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और देख लेना। तो ये तीनों जो हैं अभी हमने चेंज करे हैं इसमें साइकिल में, तो सारा का सारा मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, चेकआउट कर लेना, अगर आपको भी यूज़ करना है तो क्या पता आपके काम आ जाए चीज़ें।
और ये काफ़ी एसेंशियल चीज़ें हैं अगर आप साइकिलिंग करते हो तो डू चेक आउट। अब हमारी साइकिल में एड ऑन हुआ है हैंडल ग्रिप जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है और सीट कवर जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है 3D पैडिंग के साथ और हमारी टेल लाइट। तो ये तीन चीज़ें अभी ऐड करी है और एक और चीज़ आने वाली है अभी, मैं शायद इसकी हेडलाइट भी लगाऊंगा एक, और उसमें एक हॉर्न भी होता है तो घंटी कभी कभी सुनाई नहीं देती लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो हॉर्न के साथ एक लाइट आती है वो भी मैं लगवाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की वीडियो इतनी ही थी हमारी तीन एसेसरीज के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे अभी साइकिल का रिव्यू आने वाला है, रॉक राइडर ST10 का रिव्यू करूँगा मैं और इसमें इसके जो एसेसरीज हैं उसी में उसके भी रिव्यू कर दूँगा क्योंकि अभी इसके सही से मैंने यूज़ नहीं किया, तो जैसे ही यूज़ करूँगा आपको इसकी रिव्यू भी दूंगा कि प्रोडक्ट कैसे हैं और काफ़ी बजट फ्रेंडली है तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो अगर आप साइकिल चलाते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो फटाफट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। बाय बाय।